फुटबॉल दिल्ली के अध्यक्ष है शाजी प्रभाकरन, और आपको बता दूं कि 2012 में जब अफगानिस्तान में महिलाओं का फुटबॉल शुरू हुआ था तब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने, और अब काफ़ी चिंता में है शाजी प्रभाकरन कि होगा क्या इसके आगे, क्योंकि बार बार उनके पास फ़ोन भी आ रहा है अफगानिस्तान से, जो फुटबॉल ऑर्गेनाइजर्स है वो कह रहे हैं कि आगे उनका होगा क्या, तो क्या पूरा मामला क्या है, क्योंकि देखिए तालिबान महिलाओं के खेलों को समर्थन नहीं करते ये तो सबको पता है, तो वो क्या कह रहे हैं फ़ोन में और क्या है पूरा मामला? नहीं देखिए, जो अफगानिस्तान की जो आज की स्थिति है वो पहले जैसे नहीं रही है, और वहाँ सभी को एक मतलब एक डर सा है, लेकिन मेरा ये है कि देखिए फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए हमने बहुत काम किया वहाँ पे 2012 से, और ये मेरा एक फॉर्चुनेट ये रहा है कि मैं उनके साथ जुड़ सका, और मैंने वहाँ देखा है कि कैसे फुटबॉल आगे बढ़ी है, और स्पेशली महिलाओं को खेलने का मौका मिला, और इससे बहुत महिलाओं की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क भी हुआ, जिससे कि वो अच्छे अच्छे अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकें। और आज के दिन ये है कि एक ये बहुत बड़ा डाउट है कि क्या होगा आगे जाके, और ये भी नहीं कि खाली महिलाएं जो खेल रही हैं, लेकिन जिन्होंने महिलाओं फुटबॉल की बढ़ोतरी के लिए काम किया उनको भी ये डर है, ज़रूर है कि उनके साथ क्या होगा, क्योंकि वहाँ उनके जो रूल्स रेगुलेशन अगर नए ऐसे आए जिससे कि महिलाओं को खेलने का मौका ना मिले, और महिलाओं को खेलने का मौका ना मिले, और जिन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया तो उनको ये डर है, और ये डर 2012 में पहली बार, इससे पहले भी आप गए होंगे, लेकिन 2012 में जब आप वहाँ गए फीफा के डेवलपमेंट ऑफिसर के रोल लेकर, तो उसके आगे पिछले 9 सालों में किस तरह की वहाँ आपको इंटरेस्ट लेवल दिखा महिलाओं का फुटबॉल को लेकर, और क्या आपको लगता है कि अभी इससे पहले भी देखा गया कि तालिबान महिलाओं के खेल को कोई वहाँ पूरी तरह से बंद करके रखा था, तो क्या होगा इन लोगों का, क्या होगा, क्या किस तरह का फ़ोन आ रहा है, वो क्या कह रहा है फ़ोन में? नहीं ये देखिए कि डर ज़रूर है, और किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होगा, और वैसे महिलाओं के लिए पाबंदियां ज़्यादा लगेंगी ऐसे उम्मीदें हैं, और खेलना तो बहुत दूर की बात होगी, और इससे क्या है कि एक लोगों में अब डर है जो जैसा बता रहे हैं वहाँ से, और मेरे जो जानकार हैं जिनके साथ मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, और उनके लिए फुटबॉल बढ़ाना और फुटबॉल के द्वारा देश को कैसे मजबूत करना ये एक बड़ा उनका विजन था, और फुटबॉल के द्वारा एक यूनिटी बनाना पूरे देश में वो एक बड़ा उनका एक लक्ष्य था, और इसी लक्ष्य से वो फुटबॉल को हर लोगों में बढ़ावा दे रहे थे, और महिला फुटबॉल ज़रूर एक बेबी स्टेप्स ले रहे थे वहाँ पे, और पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा था, और पहली बार 2012 में उन्होंने लीग भी किया, और महिलाओं की टीम ने इवन सैफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया, और यहाँ दिल्ली में भी खेले सुब्रतो कप में, तो इसमें बहुत उन्नति की उन्होंने, लेकिन अब सभी को ये है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये है कि ये फुटबॉल की बात नहीं है, ये महिलाओं की एम्पावरमेंट की और उनकी लिबर्टी की इक्वलिटी की बात है। आप एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के साथ भी जुड़े हैं, तो क्या आप वहाँ इसको एड्रेस करने वाले हैं कि वो कुछ स्टेप्स ले ताकि उनको वहाँ से निकाला जाए, या फिर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है वहाँ जो इंटरनेशनल फुटबॉलर्स है या फिर जो चला रहे हैं फुटबॉल वहाँ महिलाओं का फुटबॉल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उनको कुछ मदद किया जाए, क्या आप बात करने वाले हैं? देखिए इसमें क्या है कि फुटबॉल संस्थाएं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अभी क्या है कि जो परिस्थिति है ये एक स्ट्रैटेजिकल वे में, जब तक कोई कंट्री उनकी जो तालिबान के साथ मिलके कोई काम करे और उनको सेफ पैसेज दे तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि एक फुटबॉल संस्था डिप्लोमेटिकली कुछ नहीं कर सकते, और ये जो बड़े कंट्रीज़ हैं
जिनके जिन जो तालिबान से निगोशिएट कर सकें, अगर वो और ये क्या है कि जो बाहर आना भी चाहते हैं वो ओपनली नहीं बात कर सकते, क्योंकि देखिए कोई भी अपने कंट्री को लिए बुरा नहीं कहना चाहेगा सबके सामने, तो ये एक बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट परिस्थिति है उनके लिए भी, क्योंकि अभी क्या है कि सारे कुछ बंद हो चुके हैं, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स बंद हैं, एम्बेसीज बंद हैं, तो नॉर्मल चीज़ें फंक्शंस तो हो ही नहीं रही, तो अभी हमें वेट करके देखना पड़ेगा कि क्या जब वो डिक्लेयर करें अपने न्यू रजीम को तो क्या रूल्स रेगुलेशंस लाते हैं, तो उस हिसाब से हमें फिर से एक मुहिम चलानी पड़ेगी ताकि वो सेफ रहें, और अगर किसी को वैसे मदद चाहिए तो हम सब मिलके करने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल ये कि क्या आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी बात की है, क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं कि वहाँ से कई फ़ोन आ चुके हैं, तो क्या आपने बात किया? मैंने ये ज़रूर पहुँचाया एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में ये बात, लेकिन फिर मुझे कल फिर एहसास हो गया कि अभी मिनिस्ट्री भी कोई भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो परिस्थिति है, जब क्योंकि इंडियन एम्बेसीज बंद हो गए और कमर्शियल फ्लाइट्स बंद हो गए, तो कोई और चारा नहीं है, क्योंकि देखिए हमने कल ही दृश्य देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एयरपोर्ट में हैं और वो सभी बाहर आना चाहते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट अभी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेके काम नहीं कर सकती, और ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, तो अभी तो हम कोई उम्मीद रखना ही गलत होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने जो पासपोर्ट्स कॉपीज हैं डिटेल्स हैं कुछ भी नहीं भेजे मैंने। ABP News आपको रखे आगे।